लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये हैं स्वामी, एक सीधे सच्चे इंसान जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सादगी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज
उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। और ये है स्वामी की जिंदगी भर की पूंजी, उनकी पत्नी राधा। स्वामी की जिंदगी राधा के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये अनमोल जोड़ 10 साल पहले बंधन में बंधा था और तब से घर में एक अनमोल रत्न की किलकारी को सुनने के लिए तरसता रहा। कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है। इन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, मगर हाँ, भगवान को अपनी जिद जरूर छोड़नी पड़ी। कई साल पतझड़ देखने के बाद स्वामी के बाग में हरियाली छाई है। राधा एक साउथ इंडियन ब्राह्मण है और स्वामी एक पक्के महाराष्ट्र ब्राह्मण। राधा अपना ख्याल रखना। मैं अपना पूरा ख्याल रखती, पर आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। क्यों, मुझे क्या हो गया? पिछले कई दिनों से देख रही हूं, आप अपना खाना घर बचा कर लाते, मुझसे ज्यादा चिंता तो आपको सताए जा रही। ऐसी बात नहीं है। अयो, तो आजकल मैं खाना अच्छा नहीं बनाती क्या? राधा आप चिंता मत करिए, इतने वर्षों के बाद ईश्वर को हमें नाउम्मीद ही करना होता तो उम्मीद क्यों देता। जरा पकड़ो इसे। ओहो आप बढ़िया, जैसे कि सब समझ गए। मुझे मालूम है जी, वजनदार चीज नहीं उठाऊंगी। ठीक है, आप जाइए। स्वामी। अरे नमस्ते सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है भाई, आज हमारे आने से पहले ही श्री गणेश कर दिया। सब गणपति की कृपा है। और राधा कैसी है? जी अच्छी है, अब तो उसे एक नया साथी मिल गया है जो दिन भर उसका दिल बहलाता रहता है। साथी? जी वो और उसका टीवी। हाँ। नमस्कार, आज की खास रिपोर्ट।
कहते हैं कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, मगर आज भी गांव और कस्बों में शिक्षा का स्तर सुधर नहीं पाया है, बल्कि हालात दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे महानगरों की हर स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी हो गई है, इंग्लिश एक आम बोलचाल की भाषा बनती जा रही है, वहीं छोटे इलाकों के लोग इन तमाम सहूलतों से महरूम हैं। उम्मीद की किरण कोसों दूर है, कसूरवार कौन है, हमारी सरकार या उन बच्चों की किस्मत जो महानगरों में ना पैदा होकर छोटे इलाकों में पैदा हुए हैं। ये थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट, और अब सुनिए मौसम की जानकारी। लीजिए सर। अच्छा भैया। अच्छा, राम राम। गोटिया रुकना, ये पांडू लाओ कर ये ना। रुकना गोटिया। गोटिया, भूत तेरा नाम जानता है यार। ए पांडू, भूत तेरा भी नाम जानता है यार, अब चल भाग। ए थांबा रे। और क्या? आपने तो हमें डरा ही दिया, हम तो सोचे कोई बड़ा भूत है जाड़ पे। मैं तुम्हें भूत लगता हूँ? इधर आ, फूल जमा करने में मदद करो मेरी। हाँ जल्दी। ओह, आप बढ़िया। जैसे कि सब समझ गए। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। अच्छा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ खास बनाया है क्या? पायसम, खीर। ओह। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये 5 रुपए के सिक्के आप क्यों जमा करते, ये मुझे आज तक समझ नहीं आता। राधा, तुमने छोटे बच्चों को कभी रेत का घर बनाते तो देखा ही होगा। आयो, देखा क्या, मैं खुद बनाती थी, बड़ा मजा आता था। घर बनता था, बिगड़ता था, फिर बनता था। अब उसके पीछे कोई मतलब ढूंढने जाओ, कभी नहीं मिलता। तो इस उम्र में आप बच्चा बनने की कोशिश कर रहे क्या? दिल तो वही होता है राधा, उम्र दिमाग की बढ़ती है। दिल बहुत सी चीजें करने को कहता है,
मगर दिमाग मना करता है। मुझे दिमाग की चिंता नहीं है, सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। सुनिए, इस वक्त मेरा दिल खाना खाने को कह रहा है। खीर कैसी बनी है? आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आज टीवी पर दिखा रहे थे कि गांव में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छी नहीं, शहर में बहुत बड़े अच्छे स्कूल हैं, ये लंबी बड़ी क्लास है, अंग्रेजी पढ़ाते, कंप्यूटर सिखाते, टीचर बहुत अच्छे, तो क्यों ना हम लोग गांव छोड़कर शहर चले चले। अयो, बात दिल में आई थी इसलिए बता दी, दिमाग ने बहुत मना किया था पर मैंने भी दिमाग की एक नहीं सुनी। बहुत अच्छी पकाई है खीर। जरा ये लगा दीजिए ना। हाँ लो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तुमने ठीक कहा राधा, हमारी जिंदगी तो ठहरे हुए पानी की तरह गुजर गई, अब अपने बच्चे का भविष्य। ठीक है, चिल्लाता क्यों रे? हाँ, आज तो बाबा के पगार का दिन है, बहुत सारे खिलौने लाएंगे तुम्हारे लिए। अरे वाह, बाबा आ गए। ओहो, पूरी दुकान लेकर आ गए। नहीं नहीं अभी तो, अरे कितना भारी है रे। अरे आनंद ये देख, ए आनंद देख बाबा क्या लाया, बाबा क्या लाया ये देख। Bye-bye.
बच्चे को समझा कि अपने औकात में रहे। इसकी हिम्मत कैसे उस कुर्सी पर बैठने की? ये तो मेरा काम करती है, उसने छोड़ दिया, वरना चार लाफे और मारता। जाओ लेके जाओ, भाग यहां से। मत रो स्वामी, हाँ मेरा अच्छा बेटा है ना तू, हाँ तुझे खुर्ची पसंद है ना, हाँ। मैं ऐसी खुर्ची तुझे लाके दूंगी। हाँ? क्या बात है, नींद नहीं आ रही? स्वामी जी। जी सेठी। भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुंबई में हमारे एक दोस्त की ज्वेलरी की दुकान खुली है और वहाँ उन्हें हिसाब किताब करने वाले एक आदमी की सख्त जरूरत है। अभी जाके उनसे मिल लो, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है। जी धन्यवाद अमन जी, काम निपटा के शाम को जाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, शाम को नहीं, अभी अभी जाओ, शाम तक तो मास नौकरी के बहुत से उम्मीदवार पैदा हो जाएंगे। जी लेकिन हिसाब। जाओ स्वामी जाओ, हिसाब होता रहेगा, जाओ। जाता हूँ जी। जी धन्यवाद। ठीक है। कौन? जी जी मैं स्वामी। कौन स्वामी? मुझे वामन पंडित जी ने भेजा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ। नमस्ते। वामन पंडित ने बताया था तुम्हारे बारे में। जी मुंबई में मेरा एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ मेरा मैनेजर है, उसके नाम की चिट्ठी दे देता हूँ। जी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जी बस। तुम इधर ही रुकना, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कुछ चाय पानी लोगे स्वामी? जी नहीं बस, धन्यवाद। अच्छा अंकल, आप इस साल वॉलीबॉल खेलेंगे? हाँ। क्या अंकल, अब जाइए बॉल लेकर आइए। वो क्या है ना, मैंने बहुत दिनों बाद खेली है। लास्ट टाइम कब खेली थी? जब मैं आपके जितना छोटा था। आप मेरे जितने छोटे थे? हाँ। फिर आप इतने बड़े कैसे हो गए? भाग भाग के, आप भी मेरी तरह तेज भागोगे ना तो जल्दी बड़े हो जाओगे। ऐसा क्या? हाँ जल्दी बॉल लेके आओ, जा 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 जा। अंकल अब मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा ना। हाँ चलिए फिर से खेलते हैं। जाओ जाओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ। जी क्षमा चाहता हूँ, बस बैठे बैठे यूं ही आंख लग गई थी। कोई बात नहीं स्वामी, थके हो तो थोड़ा आराम कर लो। जी नहीं बस। ये लो चिट्ठी, तुम्हारा काम हो जाएगा। धन्यवाद सेठ जी। अयो रामा, अये आनंद इधर आना, इधर। क्या देख, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये देख कितना बड़ा पूल। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा, ये तो बहुत अच्छा है अम्मा। अमेरिका है, अमेरिका। अमेरिका किधर है वो? बहुत दूर है रे। चंद्रमा से भी दूर है? नहीं, चंद्रमा मामा तो आसमान में है, ये तो जमीन पर है। ओ ओ अब परिया। जैसे कि सब समझ गया। जमीन पर है तो मैं आ तो ले जाऊंगा, जो तंदे पर चाटे ले जाऊंगा।
अरे वाह, कंधे पे मिटा के लेके जाएगा मेरे कदम। मुझे तो मैं अब तो नहीं ले जाऊंगा, अकेले ही चले जाऊंगा। अकेले चले जाएगा मेरे को छोड़ के तो। राधा, राधा, ये देखो। क्या हुआ जी? ये आनंद मुंबई में पढ़ेगा। कैसे? ये मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। ये देखो। हाँ? मुंबई में? मुंबई में नौकरी मिल गई। आयो रामा। ये घर आई बाबा ने बड़े प्यार से बनाया था, हमने भी अपनी जिंदगी यहीं गुजारी, आनंद भी यहीं पे हुआ था। इस घर को छोड़ के जाने का दिल नहीं। बाबा, 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 बाबा। हाँ, सुन लिया, सुन लिया, पर इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, जी आप उसी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते राधा। नमस्ते भाई। अच्छी कीमत मिल गई मकान की स्वामी, इतने पैसों में कम से कम एक किराए का मकान तो आ ही जाएगा मुंबई में। जी आपकी कृपा है। अपना ख्याल रखना जी, चलता हूँ। बहुत बहुत जी। इतने कम किराए में कितना अच्छा मकान मिल गया। नहीं हाँ। कितनी अच्छी हवा चल रही। हाँ, और इधर से तो पूरा शहर दिखाई दे रहा है, देखिए ना। और ये लो, एक और आराम हो गया। अब आनंद घर में हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। और ये देखो, ये तो आपने देखा ही नहीं, मकान मालिक कितना अच्छा है, मुफ्त में एक सोफा भी रख गया। हा? अब तो इस पर बैठकर आराम करें। ये आधा उठो उठो। ये सेठ जी का सोफा। हाँ हाँ, बड़ा मजाक हो गया।
तुम अपने प्यारे से घर को सजाओ, तब तक मैं नौकरी के लिए दुकान से होके आता हूँ। ठीक है, ये लो पकड़ो। बाबा बाबा, मुझे भी साथ लेता चलो ना धूमी करने के लिए। बेटा, अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो घर में अम्मा अकेली रह जाएगी ना, घर में एक आदमी को तो रहना चाहिए। अच्छा हाँ, घूमने करने बाद में चलेंगे, अभी आप अम्मा के काम हाथ बटाइए। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, अम्मा को सोफे पे मत बैठने देना। वाह मेरे शेर। अच्छा अच्छा स्वामी जी, आप कल से नौकरी पे आ जाइए, और चाहो तो आज से ही शुरू कर दो। जी बस एक दो दिन का समय चाहिए था बस। क्यों? अच्छा अच्छा, घर ढूंढना है? नहीं नहीं, घर तो मिल गया है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है। एडमिशन कहाँ करा रहे हो? जी अभी तो पता नहीं, बस वही पता करना है जाके। यहाँ नजदीक में एक स्कूल है, बहुत अच्छा है, हंस राज मोरारजी स्कूल। जी इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम ही है। जी जी, क्या क्या नाम बताया आपने? हंसराज मोरारजी स्कूल। हंसराज, ठीक है, मैं एडमिशन के लिए कोशिश करके फिर मैं ड्यूटी पे आ जाऊंगा। ठीक है जी, नमस्ते जी। सेवंदी पू मड़च चिन्न का ओय सेदी एन का ओय अना ना 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 ता ना 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 आदि एन बोयन आ अरे लो, कैसे हो सकता है? हाँ? ओहो, आप पढ़िया? लगता है जैसे सब समझ गई। कल सुबह आनंद को स्कूल के एडमिशन के लिए लेके जाना है। हुँ? जल्दी तैयार हो जाना, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अच्छा। अम्मा, स्कूल? टीचर जो भी पूछे ना उसका पूरा जवाब देना। हाँ बिल्कुल भी शैतानी नहीं करना। हाँ हाँ अम्मा, बिल्कुल नहीं करूंगा। याद है ना तूने मुझसे वादा किया था? सब तो याद है अम्मा। क्या कहा था अम्मा? बदमाश, सब कुछ भूल गया क्या? तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, अमेरिका जाना है। मुझे तो पहले से ही याद था, मैं तो देखा था, आप तो याद या नहीं है। देख, तुझे जितनी बदमाशी करनी है ना घर में अम्मा के साथ कर लेना, मगर स्कूल में बिल्कुल नहीं। टीचर की सब बात मानना। हाँ ध्यान लगा कर पढ़ना, वरना तू अमेरिका नहीं जा पाएगा। अम्मा मैं अमेरिका जाऊंगा, आप तो भी लेता जाऊंगा, बिल्कुल चेतावनी नहीं दूंगा। हाँ अम्मा। हाँ रे। चल चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। अयो रामा, ये क्या पहना आपने? क्या? आनंद के स्कूल का एडमिशन है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अब ये पहन के जाएंगे? रुकिए, ये पहनिए, ये ठीक रहेगा। अभी जल्दी बदलिए। दही शक्कर खाकर निकलना, शुभ होता है, मुंह खोलो तुम भी। हाँ हो गए। अरे चलो देर हो रही है। चलो 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 चलो। अरे दरवाजा। देखिए आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल का अपना प्रेस्टीज है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चों का ही एडमिशन करवाते हैं। आइयो, पढ़ाई हमारा बेटा करेगा, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर माँ बाप ही पढ़े लिखे नहीं हो तो वो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे ना। हाँ? आप एडमिशन तो दीजिए। देखिए
आप बहस करके मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी। मेरी सलाह मानिए तो आप अपने बच्चे का किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाइए। सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना होता तो गांव छोड़कर शहर क्यों आते? ये स्कूल बहुत महंगा है, हजारों रुपए डोनेशन देकर लोग यहाँ बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सरस्वती के मंदिर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं आप लोग, ये सही नहीं है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। देखते ना आंटी, वो आंटी है ना अपने स्कूल में नहीं ले रही, उन तो जाकर बोलिए अपने स्कूल में ले ले। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे माफ कीजिए। मुझे ना अम्मा बाबा तो अमेरिका लेते जाना, मैं नहीं पहुँचा तो अमेरिका नहीं जा पाऊंगा ना। जैसे मेरी अम्मा ने कहा था बिल्कुल वैसे ही रहूंगा, ध्यान लगाते पढ़ूंगा, टीचर की सब बात मानूंगा। देखते है ना उनने बोलिए ना अपने स्कूल में ले लो, मुझे अपने स्कूल में ले लो ना, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। सुनिए, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है, जाइए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, आ जाओ। ए आनंद, आओ यहाँ आओ। अरे नमस्ते, बैठिए ना। जी जी बस जी, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, ये इसी स्कूल में पढ़ेगा। ये इसलिए इस स्कूल में पढ़ना चाहता है क्योंकि वो आपका सपना पूरा करना चाहता है। इतने छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात कह के मेरा दिल जीत लिया है। आप चिंता ना करें, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। जी बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर ऊपर। राधा हाँ? तुम चलो सब्जी खरीदो, मैं अभी आता। अच्छा चल। जी सर। ये कुर्सी कितने की है? 18,500, एंटिक पीस है सर जी। नमस्ते। आपको वो आराम कुर्सी इतनी पसंद है तो ले क्यों नहीं लेते? पैसे भी तो चाहिए, तो गुल्लक से निकाल लीजिए ना। राधा खबरदार, जो गुल्लक तोड़ने की बात की तो, वो 5 रुपए के सिक्के मुझे बहुत पसंद हैं, मैं उन्हें कभी खर्च नहीं करूंगा। आप भी ना। राधा मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। ये दरा, ओ आनंद ये तेरी टाई। ये क्या अम्मा, आपको तो टाई पहनाना भी नहीं आता है। हाँ नहीं आती। हाँ तुझे किसने सिखाई? बड़ी वाली मैडम ने सिखाई है। आप तो बुरा लदा। नहीं रे पगले। अम्मा अम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट में दर्द हो गया। ये लो पानी, डॉक्टर तो बुलाते आओ। नहीं ठीक हो गया। चल तुझे स्कूल लेके जाना है ना? नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं अकेले स्कूल चल जाऊंगा। जिस स्कूल का रास्ता पूरा पता है, मुझे ट्रैफिक का सिग्नल भी पता है। अब मैं बड़ा हो जाऊँ ना अम्मा, और मैं आते वक्त आपके लिए डॉक्टर भी लाऊंगा। हाँ बढ़िया, मुझे अपने स्कूल घुमाने लेके जाएगा। तुम भी चलना है, चलो मेरे साथ। बाबा आजा आजा, भाग के भाग के भाग के। चल
बाबा आप मुझे नहीं, मैं अब तो लेते जाऊंगा। अच्छा, अब मैं बड़ा हो जाऊंगा बाबा। हाँ मेरा बेटा, आज सुबह अम्मा मैं हाथ पकड़ के आई थी। अम्मा आपका हाथ पकड़ के आई थी? हाँ, आज सुबह अम्मा तो तबीयत ठीक नहीं था, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। अम्मा के? हाँ। अच्छा, चलो अम्मा। अरे आनंद। अरे आज तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ लेकिन मुझे फोन कर देती मैं घर आ जाता। थोड़ी देर के लिए, फिर अपने आप ही ठीक हो गई। मैं कल छुट्टी ले लेता हूँ, किसी अच्छे से डॉक्टर को चलकर दिखाते। आप क्यों परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं बस। भाई साहब जरा आराम से चलिए, बीमार है। बायलेटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है। जी जी, मतलब? मतलब ये कि इनकी किडनी की नस दब गई है, जिसकी वजह से इनका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है और उसी वजह से इनको पेट में दर्द रहता है। एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। जी ऑपरेशन? देखिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तब तक के लिए मैं इनको दवाई ले देता हूँ। जी खर्च कितना आएगा? यही 20 से 25 हज़ार रुपये। सिक्के मेरे लिए तुमसे बढ़ के नहीं है। ₹8,755। जी ठीक है, दे दीजिए। तुम आराम करो, आराम करो। मेरी तो यूं ही आंख लग गई थी। कोई बात नहीं राधा, मैं कल से थोड़ा लेट आया करूंगा। क्यों? रुपए थोड़े कम पड़ गए, ओवर टाइम करना पड़ेगा ना। आप अपना ख्याल रखना। अरे मुझे क्या हुआ है? सब ठीक हो जाएगा। दूसरे से अलग हो के भी एक दूसरे में समाए रहे, आँखों की जब भी खुली पुतलियाँ पल
जी सेठ जी मैं चलता हूँ। अच्छा ये लो जी, मैं कल आ नहीं पाऊंगा। क्यों? अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है चलता हूँ। अच्छा ठीक है। दिनों से देख रही हूँ आपको ये कुर्सी बहुत पसंद है। गलत बात है राधा, तुमने शांति तुमने क्या किया है? मैं जानती हूँ, मैंने अपने इलाज के पैसे सारे खर्च कर दिए। आप मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मैं आपके दिल की छोटी सी इच्छा नहीं पूरी कर सकती। राधा माना कि ये कुर्सी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ऑपरेशन जरूरी था, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपया? मैं इतने प्यार से लेकर आई, आप मुझे डांटते ही जा रहे हैं। तुम मुझसे ओवर टाइम करवाओगे? आपने देखा नहीं, इस पर हमारा नाम भी लिखा है। आनंद उधर जाके बैठना। क्या बाबा आप सुबह से बोलो इधर बैठने के लिए, इधर बैठने के लिए, ये होमवर्क पूरा करना है। बस आखिरी बार बेटा। हर बार आप यही बोलते हो। जा 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 आ मेरा अच्छा बेटा। तुर्सी। गधा कहीं क्या? अब भी ना बाबा मिली नहीं गधा क्या? बैठने नहीं दूंगा फिर। ना दिमाग कहीं आएगा। राधा के साथ ये अच्छी लगेगी। ओहो आप बढ़िया। यू आर वेलकम। अच्छा राधा रात को मैं लेट हो जाऊंगा, इंतजार नहीं करना। हाँ।
जा रहे हो साहब? हाँ चलता हूँ। आप आ गए। अरे राधा तुम सोई नहीं अभी तक? आपसे कुछ बात करनी थी। रात के 3 बजे हैं, सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। इधर नहीं, आप अपनी कुर्सी पर बैठिए ना। कुर्सी? मुझे आपको आपकी कुर्सी पर बैठे देखना है। ठीक है। पता है आज आनंद की टीचर बहुत खुश थी, कह रही थी पढ़ाई में बहुत होशियार है, मस्ती भी करता है। एक दिन मैंने इससे कहा था अमेरिका बहुत अच्छी जगह है, बोलने लगा आपको कंधे पे बिठा के लेके जाऊंगा। बदमाश कहीं का। क्या हमारा आनंद अमेरिका जाएगा? आराधा जाएगा। जाएगा ना? हाँ जाएगा। राधे 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 राधे। अम्मा राधे जैसे हवा लाए सामने।
ये पीस निकालो। ये वाला? हाँ। अरे स्वामी जी, बेटा मल्टीनेशनल बैंक में काम करता है, अब तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा भी यही कहता है। फिर क्या कहते हो उसे? मैनेजर साहब रोज यही कहते हैं। कैसा है आनंद? पूजा आनंद आनंद पड़ा? क्यों? कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है? नहीं, बस एक रिसर्च है जिसके मुताबिक जो लोग सही वक्त में शादी कर लेते हैं वो जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। अच्छा, दैट्स नाइस। एंड गेस व्हाट? व्हाट? मेरी जो सहेली है ना। कौन? रीमा। रीमा 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 हाँ या, उसने शादी कर ली। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। वैसे ये रीमा की एज कितनी है? मेरी जितनी। कितनी लकी है, सारी जिंदगी खुश रहेगी। खुश रहेगी ना? हाँ हाँ, खुश रहेगी। खुश रहेगी ना? हाँ पूजा, खुश रहेगी। तो क्या? तो क्या? तो क्या पूजा? तो कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। पर कहाँ जा रही हो? मेरी सहेली की शादी की खुशी में जा रही हूँ। वैसे एक बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया, कल मैं सोच रहा था क्यों ना बाबा से अपनी शादी की बात कर लूं। है? तो फिर? तुम कहीं जा रही थी ना? तुम कुछ बक रहे थे ना? मैं हुँ? मैं क्या कह रहा था? तुम शादी की बात कर रहे थे। मैं बाबा की बात कर रहा था। बोलो ना। ओके मैडम ओके। जितना तुम शादी के बारे में सोचती हो ना उतना मैं भी सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब भी बाबा से शादी की बात करने की सोचता हूँ अमेरिका की बात लेके बैठ जाते हैं। तू अमेरिका कब जा रहा है, पासपोर्ट बनवाया कि नहीं? अम्मा की आंखों ने जो सपना देखा था ना, बाबा उसे अपनी आंखों के सामने साकार होता देखना चाहते हैं। बात तो सही है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा और हम सब साथ अमेरिका जाएंगे। ओके ओके। बाबा चाय। बाबा लंच के बाद अपनी दवा लेना मत भूलना। और प्लीज बाबा खाना पूरा खाया करो, आजकल आप रोज रोटी बचा कर ला रहे हो। बाबा चाय। अमेरिका की नौकरी का क्या हुआ? मैंने एप्लीकेशन दी है और उन्होंने वो हेलो हेलो आनंद पूजा शाम को मिल रहे हैं ना? बाबा पास में बैठे हैं, बात कर दो। हाँ? बाबा पास में बैठे हैं, शाम को मिल रहे हैं ना? हाँ शाम को मिलते हैं। हाँ, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। चलिए बाबा आपको शॉप छोड़ देता हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो 2 घंटे बाकी हैं। वैसे भी तो 2.5 घंटे लगते हैं। हाँ? धीरे धीरे बेटा धीरे। हाँ बाबा। हाँ आराम से आराम आराम से। हाँ बाबा। हाँ बेटा देख बाबा धीरे, ये 20 की स्पीड है। 2-10 की कर ले बाबा। और धीरे करूँगा बंद हो जाएगी बाबा। इससे अच्छे तो मेरी साइकिल जो कभी बंद ही नहीं होगी। हाँ बाबा। साइकिल में पेट्रोल नहीं डालना पड़ता, चालान नहीं करता, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है। हाँ बाबा ठीक है बाबा, बाइक की जैसे ही इंस्टॉलमेंट खत्म होगी ना हम साइकिल ले लेंगे। साइकिल की कोई इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी पड़ती। हाँ बाबा। बेटा बेटा मुझे यहीं उतारते हैं। नहीं बाबा कुछ नहीं होगा, आराम से जा रहा हूँ बाबा। आराम से बाबा। बाबा जी आराम से कर, आराम से चलाएगा। बाबा क्या जरूरत है नौकरी करने की, छोड़ दीजिए ना। एक बार तेरी शादी हो जाए छोड़। हाँ बाबा आराम से जा, आराम 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 से जा। नमस्ते। गुड मॉर्निंग।
I want full details. आनंद साहब, okay. आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है. Okay. Get it done. Yes, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. Yes, sir. बैठो आनंद. I'm fine, sir. Thank you. आनंद, अमेरिका में तुम्हारे ट्रांसफर की एप्लीकेशन को सीईओ ने फिर से रिजेक्ट कर दिया है. इसमें इतना अपसेट होने की कोई बात नहीं आनंद, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है. बैंक तुम्हारी परफॉर्मेंस से बेहद खुश है, लेकिन हर बैंक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. बाहर भेजने के लिए बैंक कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, और तुम्हारे पास और मेरे पास तो 1 साल का भी नहीं है. यही ना सर. थैंक यू सर. आनंद जी, मैंने अभी अभी तुम्हें एक बुरी खबर सुनाई. अच्छी खबर नहीं सुनोगे? यस सर. तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है. एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दिए गए हो. एंड दिस इज एन अचीवमेंट माय बॉय. थैंक यू सर. और बैंक ने तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें एक फ्लैट भी दिया है, 1 BHK. बस इसी तरह मेहनत करते रहो, देखना एक दिन तुम्हारा अमेरिका जाने का सपना भी जरूर पूरा होगा. कीप इट अप माय बॉय, आई एम विद यू. थैंक यू सर. और हाँ आनंद. यस सर. बाइक जरा धीरे चलाया करो. हाँ बाबा. हाँ यस सर. यस सर. मुबारक हो साहब. मुबारक हो. मुबारक हो. I'm so happy for you. बहुत खुश हूँ मैं आज. पापा को बताया? बस घर पहुँचते ही खुशखबरी दूंगा, और खुशखबरी के साथ साथ पापा से अपनी शादी की बात भी कर लूँगा. भूख के हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं. बाबा मेरा प्रमोशन हो गया है. अच्छा, कब चल रहे हैं हम लोग? नहीं बाबा, उसमें तो थोड़ा और वक्त लगेगा. ये तो बैंक ने मुझे प्रमोशन. ये क्या है? बैंक ने मुझे एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दिया है. तो इसमें नंदी बैल जैसी शक्ल बनाने की क्या जरूरत है? ये तो अच्छी खबर है. बाबा थोड़ा मीठा मना है आपको. मैं खाऊंगा, पूरा खाऊंगा. बहुत भूख लगी है. एक तो लेट आता और खाने को मना करता. क्या खाना बना? 5 मिनट में बाबा, बस 5 मिनट में. बाबा एक और अच्छी खबर है. बैंक की तरफ से मुझे 1 BHK फ्लैट भी मिला है. अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुना दी तूने. एक और बात बतानी थी. अब क्या पूरा मिठाई का डब्बा ही खत्म कराएगा मुझसे? बोल बाबा. वो पूजा. पूजा? नए घर में पूजा कराएंगे ना? नहीं, पूजा मेरी दोस्त है. अच्छा. हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैं आज ही उसे बता रहा था कि बाबा सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना खाते हैं, और मैं जो बनाता हूँ खा लेते हैं. अब आप देखिए आज आपको कितनी परेशानी हुई मेरे लेट आने से. मैंने उसे सब बताया तो पता है क्या कहती है? कहती है मैं तुम्हारे घर आके रहने लगती हूँ, फिर तुम्हारा और बाबा का पूरा ख्याल रखूंगी. तो मैंने कह दिया अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, अगर इतनी फिक्र है तो मुझसे शादी करके ही घर में आ जाओ. मैंने ठीक कहा ना? तेरी अम्मा को भी कोई बात मनवानी होती थी ना, तो ऐसे ही घुमा फिरा के बोलती थी शादी कर ले. मिठाई लीजिए ना बाबा. नहीं रे, मना है मुझे. शुगर फ्री है बाबा. Thank you.
इधर छे वो। कितने पैसे हो गए? 50 रुपए। अच्छा ये क्या? अच्छा साहब नमस्ते। तुम आ गई। कैसी लग रही पेंटिंग आपको? अच्छी है। तुमने तो पूरे घर को सजा डाला। ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। ये कुर्सी भी नहीं ले ले? काफी पुरानी हो गई है ना? पूजा ये मेरी राधा की आखिरी निशानी है। कोई बात नहीं, यही रहने देते हैं। बाबा हाँ। आप सोए नहीं अभी तक? अरे नई जगह है ना गधे, नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही और थोड़ी भूख भी लग रही है। मैगी बना ले, दोनों मिलके खा लेंगे। 2 मिनट में बाबा। अच्छा बनाया है बाबा। आज अम्मा साथ होती तो कितना अच्छा लगता ना। वो होती तो अभी से अपने पोते का नाम रखना शुरू कर देती। अम्मा की याद आ रही है ना? याद उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। राधा को तो मैं भूला ही नहीं, याद कैसे करूंगा? कहाँ ना लाल वाली देख, होए देख कैसे ताता थैया कर दिया। हमारा हरी वाली का लाल वाली से मुकाबला करता। हमारी हरी वाली को देख कैसा कैसा भंगड़ा करती। ओए मुत्तू तेरे चश्मे में तू लगी है। ओए साफ करके देख कैसी मरी मरी लग रही है तेरी वाली। अयो हमारी मरी मरी। हाँ देख मरी मरी पे लगा था 50-50 का शॉट, लग गई। ओ देख तेरी वाली तो निकली और निकली होए और निकल गई है और निकल गई। अरे निकल गई। अयो खोल के देखो जी कहाँ निकली। अयो 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 पाले 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 निकल निकालो पचास। अब चल लगी गट्टी पतंग कौन लूटता है, लगी 50 की। ठीक है लग गई, इसमें भी लग गई। अब तो दौड़ना यार। अयो हम तो 50 बार दौड़ लेगा। हाँ तुम दौड़ो। मैं दौड़ू? मंजीत सिंह दौड़।
लो जी, अच्छा भला जीत रहा था। पापा जी ने मैच ड्रॉ करा दिया। क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं सर, आपसे कोई गलती नहीं हुआ। इसकी बात का बुरा नहीं मानना, ये थोड़ा गुस्से वाला सर। क्या है ना सर, रोज मेरे साथ शर्त लगाता, हार जाता फिर बहाने बनाता। और क्या बहाने बनाता हूँ, पता है मेरे हाथ में बस आई गई थी, अगर ये ना आते बीच आ गई थी। आई तो नहीं ना। और क्या यार, नहीं मैं जीत ही गया था। देखो सच बताना, देखो तो झूठ मत बोलना, मैं जीत गया था ना। दोस्त बोला है तो सच ही बोलूंगा, आप जीत रहे थे। हाँ। सर, सर। जीते नहीं अपड़िया। अयो निंगे तमिल वणक्कम सर। नमस्ते। साउथ इंडियन से साउथ इंडियन मिले, कर कर लंबे हाथ, मेरा बैंड बजा दिया, पतंग दे दी किसी और के हाथ। मैं साउथ इंडियन नहीं, मेरी पत्नी साउथ इंडियन थी। मेरी तो अभी भी जिंदा है पाजी। पत्नी से इतनी नाराजगी? नाराजगी? और मुझे पता मैं कैसे चल रहा हूँ उसको। कहती अगर शाम को शराब पीनी है तो सुबह जॉगिंग करके आओ। और इतना दौड़ता फिर भी पता है क्या देती है? क्या? एक 50 रुपए का नोट। वो भी हम छीन लेता। नहीं नहीं, हमारे साथ रोज शर्त लगाता और हार जाता। पापा जी क्या बताऊं, जमाना हो गया, चाम की शक्ल देखे मुत्तू। ओए मुत्तू। क्या आज एक पी लेने दे प्लीज। नहीं 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 नहीं, 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 दोस्ती अपनी जगह, हिसाब किताब अपनी जगह। निकालो 50 का नोट, इधर उधर नहीं देखने का, पैसा निकालो। ये ले, गिन ले, पूरे 50 है। मंजीत चल एक और चक्कर मारे, चल। ओए आगे इतने चक्कर मार चुका हूँ, और एक चक्कर मारा तो मुझे चक्कर आने लगेंगे बाइक और। चलिए इस दोस्त को पार्क नहीं घुमाएंगे। पार्क घूमना है, चलो इधर चल, इधर इधर इधर। ओए घूमना ही है ना, इसको मत देखो, और को मत देखो। अभी देखो 10 दिन में कितना लूज कर दिया मैंने, और ये मुत्तू भी ना, ये गलत बात है ना, और ये भी कोई बात हुई। देखो हंसता जा रहा है, और तू हंसना बंद कर रहा है। शर्त किसके हंसने का? पूजा जल्दी करो, फिल्म के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ जी आई, 2 मिनट। समझ में नहीं आता तुम औरतों की घड़ी है, मेकअप करते समय क्यों रुक जाती है? क्योंकि आईने में घड़ी नहीं होती ना, इसलिए। दीवार पर तो होती है, आईने में दिखती होगी ना? दिखती है ना, लेकिन उसमें सुइयां उल्टी घूमती नजर आती है ना, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तुम औरतों से बहस में कोई नहीं जीत सकता। तो तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? अच्छा वो छोड़ो, कैसी लग रही? अच्छी लग रही। हाउ स्वीट। चले चलो, एक मिनट, आई आई। चलो। ये क्या? क्या? अच्छी खासी लग रही थी, आंटी लग रही हो। आंटी? और क्या, मुझे देखो एकदम लड़का लग रहा हूँ। नहीं बाबा आ गए तो? बाबा कहाँ आने वाले हैं, भूल जाओ कि हम पति पत्नी हैं। We are love buds, sweetheart. Really? Really? Just a minute. That's it. चले? चले? कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? जो तुम कहो। कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा वो पूजा को फिल्म देखनी थी। पूजा तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं, भूल गई ना तुम? जाओ जाके लेके आओ, जाओ जाओ। बाबा अभी हमारे साथ फिल्म चलिए ना। ना मैं थोड़ा आराम करूँगा, तुम लोग जाओ। अच्छा मेरे लिए वो एक पॉपकॉर्न और वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेते आना, बहुत दिनों से खाई नहीं है मैं। अच्छा सुन, मुझे वो उठा के खिला देना अगर सो जाऊँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ जा। आनंद बाइक रोको। क्यों? बाइक रोको ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। सॉरी। सॉरी क्या कहा तुमने? पूजा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? कितनी आसानी से झूठ बोल दिया तुमने। आप झूठ बोलने में हम मर्दों से कोई जीत सकता है क्या? बात मत करो मुझसे। सॉरी ना। सॉरी पूजा, आई एम सॉरी। Thank you.
अंकल, एक बटर स्कॉच प्लीज। अंकल बोल के चला गया, तो फिर पापा सुनने में क्या बुराई है? मंजीत है? हाँ। मुत्तू कह रहा सी कि तू कल बेहोश हो गया सी। ओए मुत्तू, मेरी बीवी के साथ चला ओए। हाँ? ओ मैं यार टीवी सीरियल देख रहा था, बोर हो गया, आंख लग गई। बीवी ने सोचा बेहोश हो गया, फटाफट फोन करता है डॉक्टर को। नो डॉक्टर भी आया, चेकअप चेकअप किया, ब्लड चढ़ाया और चला गया यार। ब्लड चढ़ाया? हाँ। और डॉक्टर ब्लड लेके घूम रही है ना? मेरी बीवी तो ब्लड लेके घूम रही है ना, और बीवी का ब्लड चढ़ा है, समझता नहीं है यार। आप दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है? और स्वामी 25 साल से मेरा खून पी रही है ना, ब्लड नहीं मैच हो गया तो क्या शक्लें मैच होंगी? कमाल करते हो यार। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, बीपी थोड़ा हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, शुगर कह रहा है थोड़ा बढ़ रहा है, बाकी वेट थोड़ा सा ओवर वेट है, मैं टेंशन ले लेती है। मुत्तू क्या कर रहा है? ओए मुत्तू क्या हो गया? ओए मुत्तू, और इस उम्र में ये क्या शौक चढ़ गया है? ने कहा कोई एज नहीं होता, डायलॉग के लिए ये ठीक होता है, लेकिन अभी तू कूद के दिखा सकता है? कूद के दिखाया तो ना, कितने दिनों में कूदेगा? आज अभी तो लगी शर्ट 50-50 रुपए की, अभी कूद के दिखाएगा? नहीं नहीं, शर्त लगी स्वामी, शर्त लगी, कूद के दिखाना पड़ेगा। छलकेंगे जाम जब कूद नहीं सकेंगे ये आम। भाभी जी नमस्ते। पैसा ये भाभी जी, ये 50 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पैसा। क्या भाभी जी, कैसा बात करता आप, इसमें शुक्रिया का क्या बात? मंजीत तुम्हारा कितना प्यारा दोस्त, जब आप जैसा दोस्त सबको दे, शराब इनके लिए जहर है। भाभी जी आप चिंता नहीं करने का जी, हम मंजीत को शराब छूने तक नहीं देगा। वैसे भी आजकल शराब से अटकर उसका दिमाग शर्त में अटक गया। चलती हूँ भाई साहब, वो इधर ही आ रहे हैं। हाँ, जाने का। भाभी जी, एक रिक्वेस्ट, ये नोट जरा बदले करने का, क्या ना एक ही नोट बहुत दिन से चक्कर मारते ना। हाँ जी हाँ जी। निकल। अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग, बेकार में मैं परेशान हो रहा था। बाबा वो डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर के पास? हाँ बाबा। क्यों? वो पूजा क्या हुआ? पूजा क्या हुआ? दादा बनने वाला हूँ। हाँ बाबा। तू बाप बनने वाला है? हाँ बाबा। अरे तू नंदी भाई जैसा सरीला कर क्या बोल रहा है, सीना चौड़ा करके बोल, मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरा बच्चा। अरे सो गया। हाँ ना बाबा। पूजा ये देखो, बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। नहीं रे, ये तो बिल्कुल तेरा जैसा दिखता है। गधे कदे जैसा दिखता है बाबा? इसकी नाक देख, बिल्कुल तेरे जैसे दिखती है। बाबा होंठ बिल्कुल आपके जैसे हैं, देखो। गाल तो देख, बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। बाबा माथा बिल्कुल आपके जैसा है। जरा देख लीजिए, कुछ बचा है जो मेरे जैसा भी दिखता है। हाँ ये तो तुम्हारा ही है। सब कुछ देखिए आप लोग, एक चीज तो देखिए ना, इसकी हंसी बिल्कुल अम्मा जैसी है। दादा 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 दादा
दादाजी दादाजी ये क्या है? ये ध्रुवा है, इसे गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। मैं भी करूंगा। तुम भी करोगे? ये चल। हाँ डालो, बॉल डालो। चल डालो। डालता है, डालता है। ओए तंदू करे हुए अगा बगा के इसको पतला कर देगा आज। ओए पुत्र, इतने लोग खड़े, बस यही मारी जा रहा है तू? पुत्र बुड्ढे को क्यों इतना दुड़ा रहा है? आउट हो जाना यार। अंकल स्टंप पे बॉल डालेंगे तो ही तो मैं आउट होऊंगा ना। मुत्तू अंकल ठीक बोल रहा है बच्चा, और स्टंप में बॉल डाल के तो ही तो वो आउट होएगा। एला स्टंप पे डालो। ए अब स्टंप पे आएगा, आउट हो जाना पुत्र। है ठीक है अंकल। मोटा बाग था, चम्मी ने लिखा। मुत्तू ओए, ओए मुत्तू, अब बच्चे को आउट नहीं कर सकता तू यार। यह टाइम क्या वेस्ट कर रहा है? इंडियन क्रिकेट टीम ज्वाइन कर ले, सब तेरे जैसे वहाँ पे। सोचेगा सोचेगा, तुम आउट कर सकता ना? तुझे क्या लगता है मैं बच्चे को आउट नहीं कर सकता? ना तुम्हारे बस का बात नहीं उधर खड़ा होकर फील्डिंग करने का। तेरी जनरल नॉलेज कटाने के लिए एक बात बोलूं? ओए हरभजन सिंह को ट्रेनिंग बॉलिंग की मैंने दी है, पता है? हाँ? अपना वजन देख और उसका वजन देख। ओए ट्रेनिंग दी थी, मैं खुद नहीं दौड़ा था साथ में। नहीं आउट करके दिखाऊं? सिक्स बॉल्स में आउट करके दिखाऊं? करके दिखाओ। दिखाऊं? लग गई। लग गई। 50 रुपए की। 50 का शर्ट। पक्का। पक्का। यहाँ नहीं, वहाँ मेरी जगह पे खड़ा हो। चल। अच्छा। चल। जाते जाते। रनिंग। अंकल अंकल बॉल डालो। वार्म अप कर रहा हूँ। ला बॉल ला। पोता है मेरा। हाँ डालो बॉल डालो। बक्शी ने भी नहीं बख्शा, सारे मिले हुए हैं। हाँ एक बॉल बाकी अभी, लास्ट बॉल है भाई। गुरु मेहर करना। जरा पीछे देखना। हाँ क्या? देखना। No ball. हंस लो जितना जी में आ रहा है उतना हंस लो। एक दिन आएगा इस मुत्तू को मैं आऊंगा शर्त में, देख लेना। फिर सजाऊंगा पूरी बोतलों की महफिल, तेरे को एक कुटनी पिलाऊंगा। अच्छा मत। ये अच्छा है, कम से कम जिंदगी में कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए जो जीने का बहाना बनी रहे। देखा मेरे पास जीने का मकसद है, तेरे पास क्या है? अच्छा चुप कर स्वामी यार, इसको छोड़। मुझे बता तेरे जीने का क्या मकसद है? कोई तो मकसद होगा। नहीं है ना, अपनी पत्नी के सपनों को पूरा कर दो। हाँ ठीक है, पर सपना क्या है वो तो बता यार। बस भाई उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन आनंद को अमेरिका में नौकरी मिल जाए। वाह वाह। ओ जी जरूर मिलेगी, वो अमेरिका जरूर जाएगा। दारू तो तभी भी नहीं पिलाएगा है ना? लेकिन मिठाई खिलानी पड़ेगी। आप बोल रहे हो पहले। खिलाऊंगा जी भर के। हाँ भी मिठाई पकी है। हमको क्या वो थोड़ा शुगर का? एला फिटे मुंह। कोई बात नहीं, शुगर फ्री लेकर आऊंगा। कल ही लेकर आता हूँ, मेरा बेटा आनंद लेकर आता है ना। नहीं नहीं अब तो मिठाई तभी खाएगा जब आप अमरीका जाए। हाँ। ये बात ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। रुक जा। पकड़ो। बेटा बुढ़ा हो गया हूँ मैं। अरे आदर्श आदर्श उठो, देखो उठो बेटा उठो।
ना मैंने आपसे की कुर्सी पुरानी हो गई है, इसके चक्कर में आदर्श को चोट लग गई ना। कुछ नहीं हुआ बेटे, चलो डॉक्टर के पास। रहने दीजिए आप। इसका 200 रुपए मिलेगा। पूजा बेटा, वो आदर्श कैसा है? उसे कहीं कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। कमरे में सो रहा होगा। सोने दो। बाबा, कुर्सी कहाँ है बाबा? बेटा वो पुरानी हो गई थी, इसलिए बेचती। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे कुर्सी नहीं बेचनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी कुर्सी लेकर आती हूँ, बस मैं अभी लेकर आती हूँ। पूजा, पूजा, बाबा मैं अभी आता हूँ। पूजा रुको, रुको पूजा। यही दुकान थी। भाई साहब, वो कुर्सी कहाँ है? मैडम, मैं तो उसके आपको पैसे दे रहा था। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कुर्सी कहाँ है? वो तो बिक गई। बिक गई? हाँ। कहाँ बिक गई? देखिए आप मुझे कैसे भी करके उनका नाम और पता दे दीजिए, मुझे वो कुर्सी हर हाल में चाहिए। मैडम ये कबाड़ी बाजार है, हम लोग 100-200 रुपए का धंधा करते हैं, उसमें नाम पता कहाँ लिखते हैं। माफ करना मैडम, मुझे नहीं पता कौन कुर्सी ले गया। बेटा जाने दे। अरे उसका मेरा साथ इतना ही था। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे मुझे। चल जा, 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 जा। क्या बाबा वो तू क्या बैल की तरह खड़ा है? चल हाथ मुंह धो, बहुत भूख लगी है मुझे।
बाबा नींद नहीं आ रही है। पूजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर पूजा की जगह तेरी माँ भी होती तो वो भी ऐसा ही करती जो पूजा ने किया। वो एक माँ है, माँ के एहसास का बुरा नहीं मानते बेटा। मैं बहुत लकी हूं जो मुझे आप जैसे बाबा मिले। वैसे किस्मत मेरी भी कोई खास बुरी नहीं है। बाबा बाबा अपने बच्चों से कभी कोई गलती हो ना तो इसी तरह माफ कर देना। हमसे कभी अलग मत होना। भागे मैं तुझे क्यों छोड़ूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। कल अपने बिल्डिंग के गणपति का विसर्जन है, आप लोग जरूर आइएगा। हाँ आएंगे। ठीक है। अरे तुम लोग अंदर तो आओ। नहीं नहीं अंकल, सबको कहना है। अच्छा नमस्ते। दादाजी दादाजी हम गणपति छोड़ने जाएंगे ना, जाएंगे ना। जाएंगे जाएंगे। गणपति बाबा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। कौन था बाबा? अरे हाँ कल एक दिन की छुट्टी ले ले, हम सब गणपति विसर्जन के लिए जाएंगे। हाँ बाबा ठीक है जाएंगे। हाँ कौन जाएगा? आदर्श। हेलो 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 आनंद जी, मैं आनंद का बाबा बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा नमस्ते जी। आनंद आज बैंक नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा। अरे जी नमस्ते जी, वो आज बिल्डिंग के गणपति का विसर्जन है ना, तो वो मोबाइल घर पे ही भूल गया बेवकूफ जी। कोई खास बात है? खास बात है आनंद आए तो उससे कहना कि उसका अमेरिका का जॉब कन्फर्म हो गया। जी जी हाँ, आनंद का अमेरिका का जॉब कन्फर्म हो गया है। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं बता दूंगा जी जी। मैं गणपति बप्पा मोरिया। ए आनंद गणपति बप्पा।
बख्शी जी मिठाई खा, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई अमेरिका में, हम लोग जा रहे हैं। ए मंजीत खुशखबरी सुन। मुझे नहीं सुननी कोई खुशखबरी। मुत्तू कहाँ है? धोखे बाहर निकला है मुत्तू, धोखा देके मुत्तू गया है यार। मुत्तू एक भी शर्त, मैं ऊपर आके जीतूंगा शर्त। मुत्तू तू देख, तू ठहर जा मुत्तू। स्वामी मुत्तू चला गया, स्वामी मुत्तू चला गया, मेरी शराब छुड़ा दी और कुछ दुनिया छोड़ के चला गया यार। स्वामी स्वामी उसके साथ बहुत बुरा हुआ स्वामी, बहुत बुरा हुआ स्वामी। उसके अंतिम संस्कार में ना उसका कोई बेटा बेटा, वो आश्रम वालों ने ना उसको बिजली में जलाया यार, बिजली में जलाया मेरे यार को। पार्क के पीछे आश्रम है, वहीं बुद्धू रहता था। स्वामी वो हमें बता तो देते यार, मैं एक बार अपने यार को देख तो लेता है, मैं उसका अच्छे से संस्कार तो कर देता स्वामी। मेरा बुद्धू गया स्वामी, बुद्धू के अस्थियों का कलश अभी भी आश्रम में ही है। बुद्धू स्वामी चलो आश्रम चलते हैं। हाय मुत्तू, मुत्तू आना, मुत्तू मुत्तू शर्त लगाना एक बार तो जीतते रहे। पूजा हम अमेरिका नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? आज बैंक में जब मैं जीएम साहब से मिला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आनंद, यूएस से तुम्हारा जॉब अप्रूव हो गया है, कल तक उसके डॉक्यूमेंट्स कुरियर से तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तब तक तुम अपना, आदर्श और पूजा का पासपोर्ट बैंक में जमा करवा दो। सॉरी आनंद, बैंक ने तुम्हारे बाबा को भेजने की परमिशन नहीं दी। तो फिर मैं जाकर क्या करूंगा? बेवकूफी मत करो आनंद, ये तुम्हारा बरसों का सपना है। ये मेरा सपना नहीं है सर, मेरी अम्मा का सपना है, और बाबा को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। जिंदगी में ऐसे मौके हमेशा नहीं मिलते आनंद, इसे मत खो। मेरे बाबा जैसे भी किसी किसी को ही मिलते हैं सर, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। थैंक यू सर। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, अगर तुम हाँ भी बोलते ना तभी मैं बाबा को छोड़कर तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। ऐसा क्यों हुआ पूजा, क्यों हुआ ऐसा? पूजा बाबा अभी तक नहीं आए? सुबह से दोपहर हो गई आनंद, ऐसा आज तक नहीं हुआ। आ गए बाबा, आ गए। मिस्टर आनंद आपका कुरियर। क्या है? यूएस का कुरियर। कहाँ गए होंगे बाबा? कहाँ रह गए थे आप? बस जरा एक काम से किया था। मैं खाना लगा देती हूँ। ना ना ना, बैठो बैठो, जरा बात करनी है। आ जाओ बैठो, बैठ। क्या है बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, सोचता हूं मैं अमेरिका जाके क्या करूंगा। बाबा आपने हमारी बात सुन ली ना, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे बाबा। अरे इसमें छोड़ने वाली बात कहां से आ गई बहू, चीजें तब छोड़ती हैं जब दिल से छोड़ी जाती हैं। रिश्ते यहां से निभाए जाते हैं बेटा, यहां से। रिश्ता थोड़ी खत्म हो रहा है,
मैं यहाँ खुश हूँ। खुश तो आप उस दिन थे जब आप झूम कर नाच रहे थे, क्योंकि हम सब जा रहे थे। देख मेरी बात। नहीं बाबा, हम आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम सब यहाँ बहुत खुश हैं। मेरी बात आप हमें समझाने की कोशिश ना करें। हम फैसला कर चुके हैं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। बस क्यों नहीं जाओगे? तुम लोग होते कौन हो फैसला लेने वाले? ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भी नहीं है। ये फैसला मेरी राधा का है। नहीं बस आगे एक शब्द सुना है मुझे। जिद छोड़ दीजिए ना बाबा, हमें अपने से अलग मत कीजिए, प्लीज। कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को? कैसे? तुम जैसे बहू बेटों को कौन सा बाप छोड़ना चाहेगा? फिर क्यों छोड़ना चाहते हैं आप? पूजा तो जानती है, राधा जब आखिरी सांस ले रही थी उसने मुझसे कहा था, हमारा आनंद अमेरिका जाएगा ना, मरते से मैं वादा लिया था उसने मुझसे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। कहाँ जा रहा था? इसे वापस करने। भैया, मेरे इतना समझाने के बाद भी? हाँ, क्योंकि आप में बहुत हिम्मत है, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके बिना जी सकूं। आनंद, नहीं, रुक जा बेटा। नहीं, नहीं बाबा, रुक जा बेटा, तुझे तेरी अम्मा की कसम। समझ नहीं रहे बाबा, बहन की फ्लैट वापस ले लेगी, कहाँ रहेंगे आप? सुबह सुबह मैं उसी का इंतजाम करके आया हूँ बेटा। यहाँ पास में एक आश्रम है, मेरा दोस्त मुत्तू वहीं रहता था। उसका जो कमरा खाली हुआ है ना, वही कमरा मुझे मिल गया है। बहुत अच्छा आश्रम है, मैं खुश रहूंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ पे घर जैसा ही माहौल है। खाने पीने की, रहने की यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं है। मैंने इनके रूम में हर एक अच्छी चीज़ें रखवाई हैं। इंटरनेट भी है, आप लोग ईमेल द्वारा एक दूसरे के टच में भी रह सकते हैं। बस तेरे हवाई जहाज का समय हो गया, पूजा आदर्श तेरा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। 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 हाँ जा। जा, जा। रिश्तों की खुशबू, सुदियों का चंदन, जीवन तो है सांसों का बंधन, तोड़े से टूटे नहीं, छोड़े से छूटे नहीं। रिश्तों की खुशबू, सुदियों का चंदन, जीवन तो है सांसों का बंधन, तोड़े से टूटे नहीं, छोड़े से छूटे नहीं।
दादाजी किधर गए? पसंद है तो ले क्यों नहीं लेते? कई दिनों से देख रही हूं आपको ये कुर्सी बहुत पसंद है। राधा ये सिर्फ स्वामी की ही नहीं, हर आम इंसान की कहानी है। जिस तरह राधा को यह पता चल गया था कि वो आराम कुर्सी स्वामी के साथ जिंदगी भर रहेगी और उसका बाकी सब कुछ छूट जाएगा, ठीक उसी तरह हमारे चाहने वाले जब मौत के करीब होते हैं तब वो हमें बड़े गौर से देखते हैं। दरअसल वो हमें नहीं, हमारे भविष्य को देख रहे होते हैं। अगर उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि हमें कुछ बता पाए, और वो भगवान को प्यारे हो जाते। Thank you.